गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो अभी अभी उठा हूँ मैं, एंड अभी मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट बनाऊँगा अर्शी के लिए। अर्शी को थोड़ा हेडेक हो रहा है, तो आज ब्रेकफास्ट मैं बनाता हूँ। थोड़ा मस्त गर्मा गर्म पोहा बनाते हैं, एंड फिर मैं जाता हूँ अपना काम करने। चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो ऑनियंस अभी एकदम मस्त कैरमलाइज हो रहे हैं, इसके बाद थोड़ा हल्दी डालना है, एंड फिर पोहा, एंड अपना पोहा विल बी रेडी। क्या हुआ, क्यों गा रही है इतना सुबह से? तो ब्रेकफास्ट ख़त्म हो चुका है, एंड इन दोनों की मस्ती चालू है। वैसे कैसा था पोहा? पोहा बहुत मस्त था, पक्का एकदम जैसे मुझे अच्छा लगता है। ओके कूल, तो मैं जाता हूँ और शुरू करता हूँ आज के ऑफिस का काम, और हम मिलते हैं बाद में। इस मैडम को देखिए, दोपहर के 12 बजे हैं और तो क्या कर रही है माया? सोती रहती है सारा दिन। क्या क्या था वो क्या? तो गाइस, अभी अभी गर्मा गर्म खिचड़ी खाया, लंच ख़त्म हो गया है, एंड अभी मेरा बहुत ही लंबा सा एक मीटिंग है, तो उस मीटिंग के बाद मिलते हैं। माया देख रही है बाहर से, बैठ के मुझे दिखाता हूँ मैं आपको। आना अंदर आना है, तो क्या कर रही है वहाँ पे? चलिए चलते हैं इसको उठाने, नहीं तो अगर डोर बंद कर दिया तो फिर रोएगी। अच्छा अच्छा, कम 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 कम, चलो कम, दिस वे दिस वे दिस वे, हियर, इधर इधर आ जा। Edward, we have, you know, all these areas together, then it's just, then it's a lot of work and it is changing things in the existing game. Because And I try to look at it from here. I think Mark, you said this in the Matrix channel, am I correct? Then carry forward to the saga rules and how it all ties in with our entire, you know, system, the new system that we want to create of measuring and balancing, you know, everything around that. So this is our vision, the motto, like we want to approach everything from the point of view of making the experience of feeling feel great. Then we discussed like some pillars, level mastery, casual experience, loss aversion, was achieving the same goals which are basically mentioned in the Bibles of almost all our games, but in a very specific and consistent. This level layout is actually very, very risky. I was doing here. One eternity later. 3 घंटे होने को आ चुके हैं और अभी भी मीटिंग चल रहा है। तो 3 घंटे बाद अभी जगह ख़त्म हुआ है मीटिंग, और शाम के 6 बज चुके हैं, और कल ही मैं बोल रहा था कि 7.5 घंटे से ज़्यादा काम करना इज़ इलीगल, तो आज लगता है कुछ इलीगल कर लिया है हम लोगों ने। तो चलिए देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। डोर खुलते ही आ गई मैडम। माया माया, क्या कर रही थी क्या कर रही थी क्या कर रही थी? बैठ गई। तो ये घर में एक और प्लांट है, ये है जिनसिंग प्लांट, थोड़ा बॉन्जाई टाइप का लगता है, एंड हम थोड़े दिन से ये नोटिस कर रहे हैं कि इसके पत्ते झड़ रहे हैं। देखिए नीचे ऑलरेडी काफ़ी सारे पत्ते गिरे हुए हैं, एंड हम वंडर ही कर रहे थे कि क्या हो रहा है इसको, इसके पत्ते क्यों झड़ रहे हैं, क्योंकि इसको हम पानी टाइम पे दे रहे हैं और इसको हम फर्टिलाइज़र भी टाइम पे दे रहे हैं। देन हमें समझ में आया, क्योंकि बाहर टेम्परेचर इतना कम हो गया है कि ये ठंड सहन नहीं कर पा रहा,
ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है एंड इसको मिनिमम टेम्परेचर लगता है एटलीस्ट 10 डिग्री का। एंड विंडो का भी मैं ग्लास टच कर रहा हूँ, काफ़ी ठंडा लग रहा है क्योंकि ये खिड़की के इतने पास है, इसको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है एंड वी बिलीव इसी की वजह से इसके पत्ते झड़ रहे हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो हमने सोचा इसको रखते हैं बाथरूम में। देखिए नीचे रखते ही इसके और 2-3 पत्ते गिर गए। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि बाथरूम में रखने का क्या मतलब है, ठंडी तो हर जगह लगेगी घर में क्योंकि अभी तक हीटर्स ऑन नहीं हुए हैं। बात यह है कि फिनलैंड में हर बाथरूम हीटेड होता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो डोर के बाजू में आप जैसे ये देख रहे हो, ये एक डिवाइस लगा हुआ है जिससे हम हीटिंग ऑफ कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं और फिर हम इसके हीटिंग का लेवल भी सेट कर सकते हैं। फिलहाल ये हाई पे है एंड ये इसीलिए करते हैं क्योंकि बाथरूम का जो पूरा फ्लोर है यहाँ पे, सारा का सारा फ्लोर हीटेड है। तो फिलहाल ये फ्लोरिंग बहुत ज़्यादा गर्म है कम्पेयर टू द फ्लोरिंग आउटसाइड एंड ये इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ठंडी इतनी होती है कि अगर फ्लोर गीला रह गया यहाँ की ठंड में तो लोग बाथरूम में जा ही नहीं पाएंगे। एंड इसका एक और एडवांटेज ये होता है कि चाहे आप बाथरूम को कितना भी गीला कर दो, विद इन हाफ एन आवर पूरा सूख जाता है बिकॉज फ्लोर इतना गर्म है। तो ओवरऑल ये बाथरूम काफ़ी ज़्यादा गर्म है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द हाउस। तो इसीलिए हमें लगता है कि यहाँ पे ये थोड़ी रिकवर हो जाएगी एंड मैं आपको अपडेट देता हूँ थोड़े दिनों बाद कि इसके पत्ते झड़ना बंद हुए या नहीं, बिकॉज बहुत ही प्यारा प्लांट है ये, बहुत ही प्यारा प्लांट है। बट देखिए ऑलरेडी यहाँ से वहाँ से हर जगह से काफ़ी सारे पत्ते झड़ गए हैं और हमको बहुत बुरा लगता है जब इसके साथ ऐसा होता है। तो इसका अपडेट हम देते हैं आपको 2 या 3 हफ्ते बाद। फिलहाल इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं बाथरूम में। माया, अरे मेरी माया, कहाँ से कहाँ चली जाती है तू? तो फिलहाल क्या बन रहा है मैडम डिनर पे? ऐसे कैसे कभी भी वीडियो ले लेता है मेरा चालू कर देता है। तो जा मेकअप वेकअप लगा के फिर लॉगिन करते हैं। मेकअप नहीं, फिर एटलीस्ट गिव मी अ यू नो हेड्स अप। अच्छा 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 ठीक है। तो अभी मैं ऐड करेगा मुझे पता है, आई नो यू। अरे बोल ना। अरे बट इट्स ओके, अपन की मूवी में एक्ट नहीं कर रहे, इट्स जस्ट अ व्लॉग। इट्स ओके टू बी आवरसेल्व्स इन द व्लॉग। Just wait and watch them. I'm going to shoot you when you are in your worst. तब तो बोलेगा यार रुक जा ना, अभी मुझे मत शूट कर, मुझे जाके थोड़ा सा। अरे नो वन केयर्स, पीपल केयर अबाउट अस बीइंग जेन्युइन, दैट्स इट। है ना माया? माया है कि नहीं, तू कितनी जेन्युइन है। इसे कहते हैं डार्क और इसे कहते हैं अ डार्क कैट। इतना फोकस के साथ देख रही है ना खाना पकते हुए, थोड़ी देर बाद वही पकाने दे रही है। मुझसे क्या दुश्मनी है तुझे? तुझे कुछ बोला मैंने? मैं उसके बारे में बात कर रहा था। दुश्मनी क्या है उसमें? दिस इज लाइक सोया सॉस। बाउंस हो रहा है वो, मिक्स नहीं हो रहा। जा माफ कर दिया मैंने तुझको। हाय हाय, कैसा बन रहा है? तुम ही बताओगे खा के, मैं क्या बताऊं। अरे अभी तूने टेस्ट किया ना? अच्छा तो लग रहा है मेरे को। हाँ? तो गाइस डिनर भी खत्म हो चुका है, एकदम मस्त था और व्लॉग का एडिटिंग में भी खत्म हो चुका है। ऐसा लग रहा है शायद थोड़ा सा छोटा हो गया व्लॉग क्योंकि काफ़ी सारा टाइम मीटिंग में चला गया था, बट कल मैं जाने वाला हूँ ऑफिस और आपको भी लेके चलूँगा एंड देन विल सी कल का दिन कैसा जाता है। बट आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द व्लॉग एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड हम मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।
Bye.